तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब कुछ और सब्जी लाए हैं, मेट्रो से भी लाए हैं और बाजार से भी लाए हैं, तो आपसे शेयर करते हैं। और इसके अलावा खूब सारा चिकन भी आया है, चिकन सिस्टर ने धो के वहां पर रखा हुआ है, ठीक है। yes. तो देखिए सबसे पहले मेट्रो से लाए, दिखाओ छलिया, ये देखें छलिया खूबसूरत खूबसूरत, आजकल बहुत अच्छी छलिया आई है, तो छलिया लाए थैली यहाँ पर रख के, और छलिया इसके अलावा भी है थैलों में, ये दिखाओ ये भी छलिया, ठीक है। छलिया बॉईल भी करते हैं, भून भी लेते हैं, और दाने इसके उतार के तवे पे भी भून सकते हैं ना। yes. और इसके अलावा क्या चीज है, इसके अलावा हरा प्याज है, देखे हरा प्याज और अंडा अच्छा बनता है सुबह नाश्ते में, हरा प्याज और अंडा बहुत अच्छा बनता है, ये काफी फ्रेश प्याज है, और हरा प्याज एक और भी है ये वाला, हरे प्याज की कड़ी भी बनती है, और इसके अलावा हरे प्याज कीमा में भी अच्छा बन जाता है ना। और इसके अलावा कौन सी सब्जी है, और सब्जी है तो देखिए करेले, बिल्कुल असली वाले करेले है, थोड़ा सा रेट आई था पर अच्छा करेला मिल गया, दिखाओ ये वाला करेला है, ओरिजिनल वाला करेला है, पत्ता भी लगा हुआ साथ है ना, तो ये वाले करेले मिले हैं असली वाले करेले, देखिए कितना अच्छा करेला है, देखिए माशाल्लाह। और इसके अलावा सब्जी में और क्या है, सब्जी में खीरे, ताजे खीरे दिखाओ, yes. प्यारे प्यारे खीरे, और इसके अलावा सब्जी और भी है, निकालते हैं दिखाओ। तो आजकल मीठे बहुत अच्छे आए हैं, खूब सारे हम मीठों का जूस पी रहे हैं, तो मीठे निकाल लेते हैं, ये वाले मीठे दिखाओ, और ये भी मीठे, माशाल्लाह इंशाल्लाह भी। और ये ग्रेप फ्रूट्स हैं दिखाओ, संतरा जिसे कहते हैं या चकोतरा, ग्रेप फ्रूट्स तो बहुत मजे का, यस चकोतरा कहते हैं, चकोतरा इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन फ्रूट्स है ना। yes. ये दोनों चीजें जो है खून साफ करती हैं, चकोतरा खसूसी तौर पे खून साफ करती है, और ये जो मीठे होते हैं ये डिस्प्रीन, मीठे जो है डिस्प्रीन होती है, बुखार वगैरह हो, आजकल जैसे डेंगू फैला हुआ है, डेंगू के बुखार में मीठे का जूस अच्छा रहता है, ये सारी चकोतरे ग्रेप फ्रूट्स है, मीठे और ग्रेप फ्रूट्स का जूस बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा ये सब्जी वाली कैरेट्स हैं, आजकल इनका रेट बहुत हाई है, ये वाली जो कैरेट्स आती हैं ऑरेंज कलर में, ये देखिए ये वाली कैरेट्स हैं, कुछ और सब्जी है, ठीक
दिखाओ मेथी, आजकल मेथी बहुत प्यारी आई है, तीन गट्टी मेथी है। इसके अलावा ये लहसुन और अदरक है, दिखाओ लहसुन अदरक। लहसुन जी, यह लहसुन यस फ्रेश लहसुन, और इसके अलावा फूल गोभी है, फूल गोभी कितनी प्यारी है ये आजकल। इधर रख लो, माशाल्लाह माशाल्लाह, तीन फूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन सी सब्जी लाए वाली साहब, वाली साहब लाए मेथी, लहसुन, इसके अलावा ये ग्रेपफ्रूट्स है और मीठे हैं, ये वाले मीठे हैं, इनका जूस पियेंगे इंशाल्लाह ताला, और कैरेट्स हैं और खीरा है, और इसके अलावा ये असली वाला करेला, ये थोड़ा महंगा मिला है पर है, ओरिजिनल करेला है, ठीक है, और फूल गोभी है, हरा प्याज है, छलिया है, और इसके अलावा बस यही है ना, और चिकन है जो सिस्टर ने धो के किचन में रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो फ्रेंड्स, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो हमारी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स के अलावा आप अपनी कीमती सजेशंस भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा और आपकी सजेशंस पर जरूर अमल भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को खुद भी सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स से हमारी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करने का भी कहें थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नियाजी नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं आज, फिर इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर कर रहे हैं, इवनिंग टू डिनर टाइम ही ज्यादातर हमारी व्लॉग्स में शेयर होता है, शाम के टाइम हमारे घर में आता है खालिस दूध आता है बाड़े से, तो दूध रखा है, दूध निकालते हैं, उसके अलावा चाय का पानी उबालने के लिए रखा है, इधर जो है तेल पैन में रखा है, तेल ईटा पो रहा है, आज बन रहे हैं शाम की चाय के साथ दही भल्ले, ठीक है, ठीक है, और शाम के चाय अच्छी से खाते हैं, बिस्मिल्लाह पानी, माशाल्लाह। ये देखिए दूध निकाल लिया हमने, और वाली साहब जो है ऑफिस से आते हुए आलू प्याज लाए हैं, आलू प्याज खत्म हुए हुए थे सिस्टर ने बताए थे, और इसके अलावा खूब सारा चिकन आया है, चिकन एक तो ऊपर वाली साहब ने रखी है, कैट किटन है, कैट बड़ी कैट है और उसके किटन है यानी के बिल्ली के बच्चे हैं, ठीक है, थीक। तो उनको उनके लिए भी चिकन आया और हमारे लिए भी चिकन आया, चिकन आया जी, तो चिकन निकालेंगे, चिकन धोएंगे अच्छा सा, और आज इंशाल्लाह डिनर में बनाएंगे मजेदार सी
चिकन कढ़ाई, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, ठीक है? ठीक है, आज बिल्कुल इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है? तो जो ये बिल्कुल खालिस और प्योर मिल्क है ना, वैसे तो जो बाजार से ले उसमें बहुत सारा पानी होता है, इसमें कोई पानी का कॉन्टेंट नहीं है, इसलिए हमें बिल्कुल अगर गाढ़ा दूध आप चढ़ाएंगे ना पकाने के लिए तो वो क्या होगा कि वो नीचे लग जाएगा, जल जाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, तो ये हमारा दूध है, दूध को अभी करते हैं साइड पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम दही बल्लों की तैयारी पकड़ लेते हैं। दही बल्लों के लिए देखिए बेसन ले लिया गुड क्वालिटी का और दही है, ठीक है? ठीक है, यहाँ से बाउल और साथ साथ देखिए दूध वाले बर्तन भी साथ साथ, ठीक है? दूध की बोतल को साथ ही खंगाल लेंगे और बर्तन की बाल्टी भी तुरंत धो लेंगे, ठीक है? ठीक है, उससे ये होता है ना इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, नेक्स्ट टाइम दूध लाएंगे वो खराब नहीं होगा। यस, और स्मेल नहीं रहती है ना, स्मेल नहीं आएगी, दूध की एक स्मेल होती है। तो यहाँ पर बेसन ले लेते हैं और अच्छे से बल्ले बनाते हैं, आज बन रहे हैं शाम की चाय के साथ दही बल्ले, नहीं बन रहे हैं इंशाल्लाह ताला, खूब सारे बनाए, जी जी सर। ज्यादा फूट तो नहीं होंगे, तो ये जो बेसन है ना हमारे पास गुड क्वालिटी का बेसन एक नंबर होगा तभी बल्ले जो है अच्छे बनेंगे, ठीक है? थोड़े से आज बल्ले ज्यादा खाएंगे और इसमें डाल देंगे कुछ मसाले और ये देखे और चाय पत्ती का हमें, तो देखे बोतल तो हमने खंगाल ली है, बोतल को इसी तरह ना दो दफा पानी से खंगालने के बाद फिर उसमें जो है लिक्विड बार, लिक्विड जो डिश वॉशिंग बार होता है ना वो डाल देते हैं, तो फिर उसको सिलेंडर जो है थोड़ी देर बाद उसे अच्छे से खंगाल देंगे। यस, ठीक है, दूध का डब्बा भी धुल गया और इसके अलावा इधर चाय पत्ती भी आ गई, अच्छी सी शाम की इसमें पानी चाय बनाएंगे, अच्छी सी करारी सी चाय बनाते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाय बनाएंगे आज। और एक चाय की टिप है जो वाले साहब जो है ना मेरे वो बता रहे थे कि उनकी दादी करती थी ऐसे, तो आज मैं आपसे वो टिप शेयर भी करूंगा, ठीक है? Yes. नमक डालेंगे जरा सा कावा जब कटता है उस टाइम, ताकि पत्ती जो है रंग छोड़ दे अच्छा। चलो कावा बन रहा है उधर, इधर जो है हम दही भल्ले का गोल गोल लेते हैं, दही भल्ले के गोल के अंदर डालेंगे रेड चिली इस तरह से, इसमें डाल लेंगे हल्दी, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, इसमें डाल लेंगे लून, और इसके अलावा इसमें डाल लेंगे सफेद जीरा पाउडर ये वाला दरदरा मैंने किया, यस, और इसमें डाल लेंगे खुश्क धनिया, यस, और इसके अलावा मीठा सौंफ, तो नहीं मिली चिली फ्लेक्स मोटी वाली, जी नहीं इधर ही है बीच में मिली, ये खुश्क धनिया भी हमारी घर का पिसा हुआ, ठीक, यस, और इसमें जाएगा मीठा सोडा, और थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, नमक डालने से देखो कलर कैसा आ रहा है, यस, ये वाले साहब की दादी की टिप है, ये हो गया, अब इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, ठीक है? अगर इसमें बोटी दरदर मिर्च होती ना जी चिली फ्लेक्स तो भी डाल देते हैं, अच्छा
चाहता नहीं होगा। तभी बढ़ा चिकन। यस, मेरा खूब सारा चिकन है, एक तो मानव के लिए भी और एक घर के लिए। ठीक है, यस। दही भल्ले बनाने के लिए ना ज्यादा गाढ़ा गोल गोलेंगे, ना ज्यादा बहुत ज्यादा पतला होगा, ठीक है, दरमियाना होगा। तो मैं ये गोल गोल लू, फिर मिलते हैं। नहीं, ये जो सुपर मांस मिले ना, इनसे भी ये गोल हमने गोली इस ऑयल साथ ही मैंने गर्म होने के लिए चढ़ाया था, चेक कर लेते। तैयार कर लेंगे, डालें, फिर ऊपर से इसे पकी देंगे। ये हो रहे हैं हमारे भल्ले रेडी, और उधर कावा भी अच्छे से काट गया।
हमारी बड़ी भी विक्स हो गई है। यस बड़ी विक्स हो गई है स्टील वाली ना। यस यस ये डबल है अंदर भी है ना। हाँ डबल है। ठीक है थोड़ी देर पका लेते हैं इसे। चाय सर्व कर लेते हैं। चाय पी के लिए हो गया। यस ज्यादा थोड़ी बस ठीक है। काशी भाई दे दे नॉर्मल बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। यस यस बहुत है भाई। ठीक है हम चीनी डाल देंगे। यस यस ये थोड़े से ना रूम टेम्परेचर पे है इसलिए रखे फिर इनमें पानी डलेगा। ठीक है और इधर हम क्या करते हैं दही फेंटते हैं और दही में डाल देते हैं कुछ मसाले वगैरह। चाय भी हमारी रेडी हो गई है। यस और अब हम तैयार कर रहे हैं इसका बघार। ठीक है बघार वाले आज बनाएंगे और इसके अलावा दूध बॉयलने के लिए रखते थे साथ साथ ताकि दूध भी हमारे इसमें उबल जाए। ठीक माशाल्लाह ये हो गया। तो बघार वाले जो दही बल्ले है ना उसको बनाने के लिए मैंने रखा पैन। पैन में जाएंगी कुछ चीजें जैसे कि सफेद जीरा इस तरह से तेल लिया। ठीक है ठीक है तेल में सफेद जीरा जाएगा। इसको जलाना है सही काला करना है। ठीक है ये चला गया। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कुछ धनिया जैसे ही ये जल जाएगा कुछ धनिया जाएगा और थोड़ा सा सफेद जीरा जाएगा रेड मिर्च जाएगी पर इसे सही काला करना है। ठीक है
चला गया, थोड़ी सी रेड मिर्च जाएगी, ये चलेगी और जाएगा इसावा थोड़ा सा स्पाइस जीरा। ठीक, salt to taste, yes, और इसमें जाएगा ये देखिए ये रेडी हो गया, चाय भी रेडी हो गई है, चाय को सर्व करते हैं। ये भी रेडी होगी और इसके अलावा दिखाओ बल्ले भगोने का सही वक्त, इस टाइम हम बल्ले भगो देंगे। चलो ठीक है, एक मिनट पक्का रहा, देखिए चाय भी बन गया हमारी, yes, मजेदार सी, और इधर हमने ये बैटर भी घोल लिया है और इसके अलावा ये गीला करके रखा है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, ठंडा हो जाए बाहर। और इधर जो है ये हमारे पास कलेजियां, कलेजियां फूल लेके, कलेजियां जब भी आती है ना तो सिस्टर जो है वाली साहब वालदा साहिबा को फोन कर देती, yes, है ना, फोन के इनको चूल्हे पर दे देते इस तरह से, ये देखिए वॉश कर लेंगे और साथ साथ में इसे सीज पे परोता देंगे। पापा सात चिकन लाए थे ना भाई, सात और स्पेशल फॉर किटन, किटन बिल्ली ने बच्चे दिए हमारे टेरेस में, बहुत प्यारी है, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूंगा, तो वाली साहब उनको खूब सारी चिकन खिला रही है, गोश्त और चिकन। ये ताल ले क्या, ये जो लटका भाई कलेजी है, ये वो नहीं है गैर की पोटली, मैंने देखी थी, आप समझी जैद की पोटली है, होती है वो निकालनी पड़ती है, जरूरी होती है, कड़वी होती है। देख रहा मेरी नजर उधर है, मेरी चाम बहुत अच्छी है, तो देखिए फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि बारबेक्यू किया जाए, yes, हमारा जब भी दिल करता है तो हम इस तरह से भी चूल्हे पे बोटियां ड्रेस भून लेते हैं, ये देखते हैं इस तरह से, ठीक है, yes, इस तरह से हम कलेजी या फिर बकरे का गोश्त वगैरह ना या कीमा भी प्रो के अक्सर जो है भून लेते हैं, दूध भी हमारा उबल गया और इधर हमारे बल्ले सीधे हुए पड़े हुए हैं, इधर जो है दही भल्ले का बैटर रेडी हो रहा है, इधर मैं बोटियां भून रहा हूँ, उधर दूध हो रहा है। Okay.
यस तो देखिए फ्रेंड्स, कलेजियां भी भून रही हैं और साथ में देखें मलाई डाल लेते चाय पे। ये देखिए वाली साहब की कौन सी? जी जी ये वाली, ये पता नहीं आपने प्लेट से रखी। यस ये बन गई हमारी मजेदार सी मलाई वाली चाय, ठीक है। और उधर दूध भी उभर है और ये देखें इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, इससे बल्ले जो है ना और भी मजेदार बनेंगे। अच्छे ये भी हो गया और इधर कलेजियां बन रही है, ये देखें। और ये वाला दूध रखते हैं सिस्टर, yes. जो है चाय टेबल्स तक पहुंचाती है, फिर मिलते हैं। रेडी, ये देखें ठीक है इस तरह से ये बल्ले लगा देंगे बीच में। Yes. इसके ऊपर आप क्या करेंगे? चाट मसाला डाल चाट मसाला ये वाला इस तरह से ताकि खूब खट्टा सा हो जाए ना। यस ये प्लेटों पे भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा साल्ट सिस्टर के लिए काम है वो डाल देते हैं जरा सा, ये चला गया। बस हमारी दही भले जो है रेडी हो गई, देखिए कितने मजेदार। इस तरह से बना के आप फ्रिज में रख दें और निकाल के खाएं, फिर ये अंदर तक ना अपना दही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मसाले, तो बहुत मजे के उस तरह बनते हैं। और साथ में हमने बोटियां बोली है और चाय भी रेडी है। अब सिस्टर चाय तो सर्व करेंगे सबको, यस कलेजी जो है सर्व करेंगे और साथ में दही भले सर्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट डालो फिर छोड़ दो बस, ठीक है। दही भल्ले भी हमारे बन के रेडी हैं।
तरह से इसमें चम्मच लगाएंगे और कलेजी भी बन गई है देखे बहुत सारी। हम कलेजी इसी तरह से बना ले सकते हैं, गोटियां बोल लेते हैं ना। यस लगाएंगे, डालेंगे साल्ट। यस यस, साथ में हम कलेजी एंजॉय करेंगे, साथ में दही बल्ले इंशाल्लाह और साथ में चाय। ठीक, ये देखें ये कलेजी बिल्कुल कुक का है, खूबसूरत कुक है ये देखे माशाल्लाह। लो सिस्टर लो। थैंक यू भाई। तो फ्रेंड ये थी हमारी चाय टाइम।